हे गाइस, बॉडी बिल्डिंग अपडेटेड में आप सभी लोगों का स्वागत है। एंड बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से जुड़े बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड लेटेस्ट अपडेट लेके मैं आप सभी लोगों के लेके आ चुका हूँ। सो चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और भी जरूर प्रेस कर लेना। एंड नाउ गाइस, अब बढ़ते हैं आज को अपनी पहली अपडेट की तरफ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपने सन फिजिक यानी कि सुंदरम भाई के बारे में। तो सुंदरम भाई की साइड से गाइज उनका जो प्रेजेंट टाइम का फिजिक अपडेट है वो गाइज मैं आप सभी लोगों के लेके आ चुका हूँ। फिलहाल में आप लोग देख सकते हो कि सुंदरम भाई कैसे नजर आ रहे हैं। एक काफ़ी अच्छी एंड डिसेंट फिजिक अभी हम लोग को देखने को मिलेगी, खासतौर पर उनके पहले के मुकाबले जो शोल्डर हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवड हो चुके हैं। साथ साथ गाइज आप लोग देखो, अगर आप लोग नोटिस कर पाओगे तो एक अच्छा खासा एक प्रॉपर बीट ट्रेवर आप लोग को देखने को मिलेगा। एंड गाइज हम लोग को इस अपडेट के साथ में अपने सुंदरम भाई बताते हैं कि अब से वो अपने प्रेप स्टार्ट कर चुके हैं एंड अब वो अपने प्रेप मोड पर हैं। तो डेफिनेटली गाइस देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा कि आखिरकार अपने नेक्स्ट शो के अंदर सुंदरम भाई कैसा पैकेज लेके आते हैं, कितना और इम्प्रूव्ड कर पाते हैं। सो लेट्स सी। एंड नाउ अब बढ़ते हैं आज के अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जिसमें गाइस हम लोग बात करने वाले हैं अनुज तालियन भाई के बारे में। तो अनुज तालियन भाई के फैंस के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ लेके आ चुका हूँ। जिन लोगों को नहीं पता, मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि अनुज तालियन भाई ने रिसेंट में कॉम्पीट किया था सराईघाट कॉम्पिटिशन के अंदर, जो कि गाइज वो विनर बन चुके हैं। ओवरऑल टाइटल को अपने नाम कर लेते हैं। एंड 35th मिस्टर सराईघाट कॉम्पिटिशन के अंदर अपने जो अनुज तालियन भाई हैं वो कैसे फिजिक को कैरी कर रहे हैं वो फिलहाल में आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर मिस्टर इंडिया से अगर हम लोग कॉम्पिटिशन, तो मिस्टर इंडिया के मुकाबले अनुज तालियन भाई यहाँ पे आप लोगों को और भी ज़्यादा ड्राई एंड हार्ड देखने को मिलेंगे। आप लोग लेग्स देख सकते हो कितने ज़्यादा प्रॉपर, आप लोगों को अच्छे खासे एक सेपरेशन देखने को मिलेगी। एंड ऑल्सो गाइस यहाँ पे मिड सेक्शन भी आप लोग नोटिस कर पाओगे तो अच्छा खासे प्रॉपर आप लोग को वहाँ पे भी हार्डनेस एंड ड्राइनेस शो करते हुए नजर आएंगे अनुज तालियन भाई। तो लेट्स सी गाइस, अभी तो गाइस ये उनकी साइड से एक बहुत बड़ा गिफ्ट निकल के आ चुका है, एक मेडल, वो भी ओवरऑल टाइटल अपने फैंस के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू अनुज तालियन भाई एंड आप लोग भी कमेंट सेशन के अंदर कॉन्ग्रेचुलेट कर देना। फिलहाल अब हम लोग बढ़ते हैं आज को अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं अपने सुनील यादव भाई के बारे में। तो सुनील यादव भाई की साइड से आफ्टर अ लॉन्ग टाइम गाइज उनकी फिजिक का एक छोटा सा टीजर आप लोग के लेके आ चुका हूँ। फिलहाल आप लोग देख सकते हो कि अपने जो सुनील यादव भाई है वो कैसे नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आप लोग को उनके जो लैट्स हैं वो पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा बिगर होते हुए दिखाई देंगे। बात करें गाइज उनके बाइसेप्स की, तो यहाँ पे बाइसेप साइज इंक्रीज हुआ है। दैट मीन्स उन्होंने एक गुड क्वालिटी मसल मास ऐड कर लिया अपने बॉडी फ्रेम पर, जो कि गाइज अगर आप लोगों ने मुंबई प्रो शो की स्टेज पर देखा होगा, वहाँ पे उनको मसल मास मच नीडेड थी एंड एक सीरियस मसल मास ऐड करना चाहिए था, जो कि गाइज फिलहाल में अपने सुनील यादव भाई करते हुए वो प्रॉपरली नजर आ रहे हैं। बस इतना ही कुछ गाइज यहाँ पे आप लोग को इस फिजिक अपडेट के अंदर देखने को मिला है। हालांकि प्रॉपर अपडेट तो वो साइज से बहुत कम ही शेयर करते होंगे, बट गाइज देखने में और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले टाइम के अंदर वो और कितना ज़्यादा इंप्रूव्ड हो पाते हैं। लेकिन फिलहाल में वो आई थिंक दिल्ली प्रो शो तो मिस करने वाले हैं, जो कि हर बार वो करते हैं। डायरेक्ट हम लोग को मुंबई प्रो शो की स्टेज पर देखने को मिलेंगे। सो लेट्स सी गाइज, अब बढ़ते हैं आज को अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो हम लोग बात करने वाले हैं रजत दलाल भाई के बारे में। तो गाइज बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि रजत दलाल का भाई को फिर से कॉन्ट्रोवर्सी होगी, जो कि आप लोग जानते होंगे जो रोस्टिंग इंडस्ट्री के काफ़ी जाने माने चेहरे हैं थगे से। तो रिसेंट में गाइज उन्होंने ये वाला जो पोस्ट है वो गाइज किया था। तो गाइज मैं आप सभी लोगों के लिए बताना चाहूँगा कि इनका एक बहुत बड़ा वीडियो प्रोजेक्ट आ रहा है। दैट मीन्स उनका एक शो है जिसके लिए गाइज ये वीडियो शूटिंग एंड इतनी ज़्यादा जो हाइप क्रिएटिंग थी वो गाइज चल रही है। एंड अगर आप लोग पीछे गाइज देखोगे बैकग्राउंड में, तो यहाँ पे ये जो आप लोग को बैकग्राउंड देखने को मिलेगा वो थगेस के स्टूडियो का ही है। तो गाइज मैं आप लोग को क्लियरली कर दूंगा, यहाँ पे कोई भी लफड़ा नहीं चला रजत दलाल भाई का, ना कुछ भी आप लोग को देखने को मिलेगा जो आप लोग सोचो कि यहाँ पे फाइट वगैरह, कुछ नहीं। लिटरली ये सिर्फ अभी तक एक हाइप क्रिएटिंग थी वीडियो के एंड गाइज प्रमोशन आप लोग समझ सकते हो। आई होप अब आप लोग इसको समझ पाए होंगे। वेल अब बढ़ते हैं गाइज आज के अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स एंड उनकी न्यूज रिगार्डिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं सैमसन दौदा के बारे में। तो सैमसन दौदा रिसेंट में जाते हैं जर्मनी, जो कि वहाँ पे वो जाते हैं इनविक्टस कप के अंदर, जो कि शो था एनबीसी का। एंड गाइस वहाँ पे वो कैश पोजिंग करते हुए हम लोग को नज़र आते हैं। फिलहाल में जो वो कैश पोजिंग करते टाइम जो फिजिक को वो कैरी कर रहे थे एंड जो आर्नो क्लासिक यूके के बाद में जो गाइस फिजिक अभी उनकी कितनी ज़्यादा डिसेंट फिजिक लग रही है। लिटरली गाइस उनको कोई कह नहीं सकता कि ये जो एथलीट है वो अपने ऑफ सीजन में जा चुके हैं। एंड कितना अच्छा खासा गाइस अभी आप लोग को कंडीशनिंग आप लोग बोल सकते हैं, जो हार्डनेस एंड ड्राइनेस है वो अभी भी वो शो करते नज़र आ रहे हैं। तो
यही खासियत बनाती है सैमसंग दौदा को उनके अदर कॉम्पिटिटर से। बाकी गाइस अब आप लोग सैमसंग दौदा की इस गेस्ट पोजिंग को एंजॉय करो, मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से गेस्ट पोजिंग के बाद में। एंड हाँ, जो लोग भी नए हैं चैनल पे गाइस तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो यार, आप लोग के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, अब तो इतनी लॉन्ग लॉन्ग वीडियोज़ भी मैं बनाता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना यार। जो लोग भी चैनल पे नए आए हो अब आप लोग एंजॉय करो इस गेस्ट पोजिंग को, मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से गेस्ट पोजिंग के बाद में। बाकी गाइस आप लोग को सैमसंग दौदा की जो गेस्ट पोजिंग है वो कैंसिल लगी, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। एंड क्या लगता है कि गाइस मिस्टर ओलंपिक 2024 के भी अंदर वो टॉप 3 प्लेस कर पाएंगे या फिर इस बार वो और भी ज़्यादा इंप्रूव्ड करके आखिरकार मिस्टर ओलंपिया के अंदर हार्दिक चौहान को बीट कर सकते हैं? वेल, बहुत कम पॉसिबिलिटी है, आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना। एंड नाउ गाइस अब बढ़ते हैं हम आज के अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं हंटर लवराडा के बारे में। तो हंटर लवराडा की साइड से गाइज उनकी जो प्रेजेंट टाइम की फिजिक अपडेट है, अगेन मैं आप सभी लोगों के लेके आ चुका हूँ। फिलहाल में हंटर लवराडा आप लोग देख सकते हो तो कितनी अच्छी खासी साइज को कैरी कर रहे हैं। लिटरली हम लोग को अब पूरे एक साल के बाद एक अच्छा खासा हम लोग को साइज अभी हंटर लवराडा के बॉडी फ्रेम पर देखने को मिलेगा। साथ साथ आप लोग क्वार्ट्स में देख सकते हो, खासतौर में क्वार्ट्स में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करी है, जो गाइज अभी रिसेंट में अपने गेनिंग मोड के बावजूद भी एक अच्छी खासे सेपरेशन अपने लेग्स में शो करते हुए नजर आ रहे हैं, वो काफी काबिले तारीफ है। एंड उसके साथ में जो उनके गाइस काफ्स मसल का साइज है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव लग रहा है। लिटरली वो लोअर बॉडी से काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट रहने वाले हैं, साथ साथ अपर बॉडी भी आप लोग देख सकते हो, चेस्ट में काफ़ी अच्छी खासी फुलनेस एंड शोल्डर में काफ़ी अच्छी खासी राउंडनेस आप लोग देखने को मिलेगी। टोटली इस बार का जो उनका पैकेज रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा मच इम्प्रूव्ड पैकेज रहेगा। सो लेट्स सी आई क्या अपडेट्स आती हैं। फिलहाल के लिए तो गाइज आज के लिए तो सिर्फ इतनी अपडेट्स थे, अगर चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ गाइज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लेना। एंड गाइज एक सेकंड में लगेगा सब्सक्राइब करने में, तो सब्सक्राइब कर लेना जो लोग भी चैनल पे नए आए हो। एंड मैं मिलता हूं आपसे भी लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय गाइज।